फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम धनौल्टी से निकले थे सुरकंडा माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद, दोबारा से हम धनौल्टी के साइड ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर है एक बढ़िया सी व्यू वाला जगह। उस जगह का नाम है इको पार्क, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहां पर चलते हैं इको पार्क में और फिर अपना थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और फिर निकलेंगे बैक टू पवेलियन। वैसे तो जब हम धनौल्टी से निकले थे तो अपना साथ में ही जो है इको पार्क था, बट हमने ये सोचा कि सबसे पहले माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर कुछ और, तो इसलिए आउट ऑफ द वे जाके हम पहले मंदिर गए हैं, अभी वापस जा रहे हैं। फिर इको पार्क में होने के बाद फिर अपना ये वाला रूट दोबारा पकड़ेंगे। चलते हैं अपना धनौल्टी के इको पार्क और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। शॉर्ट डिस्टेंस है, अराउंड 16 किलोमीटर्स का, तो हार्डली हमें हाफ एन आवर लगेगा कवर करने में। फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच द इको पार्क। धनौल्टी के इको पार्क में हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे भी आई थिंक एंट्री टिकट होगी। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लवी की अपनी हो रही है फुल मौज यहाँ पे। चलाओ पीछे करो, पीछे। वाव, इसको तो आती भी चलानी। ये आप देख सकते हो इको पार्क का नजारा, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एकदम बिल्कुल शानदार व्यू है। अगर आपकी फैमिली में छोटा बच्चा है और आप इस साइड घूमने आ रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड कम ओवर हियर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर राजा बाबू की एंजॉयमेंट। शांत है, पीसफुल है, मेरे को तो बढ़िया जगह लगी धनौल्टी का ये इको पार्क। इको पार्क पे घूमने के बाद हमने यहाँ पर अपना मोमोज, मैगी, चाय ऑर्डर कर दिए, बाकी अपना चाय लेके फिर निकलते हैं अपना आगे बैक टू पवेलियन। ये ठंडा, ये खा ले। कैसा है नन्ना? बहुत अच्छा है। खाए, क्या चीज है ये? मोमोज है। अच्छा, खा लो फिर। फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के ऊपर कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं जहां पर मैंने न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करा है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।